चलिए आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का है ना पदखंड का चैप्टर नंबर 5 कवित है ना, चैप्टर नंबर 5 कवित देखेंगे, कवित जिसके लेखक है भूषण जी। कौन है लेखक? भूषण जी। और काफ़ी अच्छा रचना है, आप इसे जरूर पढ़िए। छत्रपति शिवाजी है ना, छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के बारे में लिखा हुआ है पहला पद। और दूसरा पदखंड आप देखिएगा जो कि अंदर आप उसमें देखिएगा बहुत ही बढ़िया है ना। उसके बाद जो मिसाल दिया गया है छत्रपति शिवाजी और छत्र साल दशक के बारे में लिखा गया है, पढ़िए है ना, गजब स्टोरी है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कवित चैप्टर नंबर 5 है कवित, क्लास 12th पदखंड का है ना। इस तरह के हमने सभी वीडियो को जारी कर दिया है और बना रखा है, वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं। आपको बता दें इस तरह से हमने बातचीत का वीडियो बनाया था, उसने कहा था का रोज का जो पद गद खंड है, और पदखंड में हमने बनाया था नाभादास का जो छपई है, और उससे पहले करवक का जो जायसी जी लेखक है जिनके, और उनके साथ साथ सूरदास पद है ना और तुलसीदास जी का पद सभी बना चुके हैं। इस वीडियो को जरूर देखें, अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लें। ठीक है, और देखिए पांचवा नंबर चैप्टर जो है कवित, कवित के जो लेखक है वो क्या है? भूषण जी। आइए अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में जानते हैं। पाठ यानी कवित है, लेखक का नाम भूषण जी है। जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आपको है ना। कवित के लेखक के है तो कहिएगा भूषण जी है, लेखक के है कवित के तब भूषण जी है। आपको बता दें कि भूषण जी का जन्म कहिया हुआ था, 1613 ईस्वी में हुआ था। अगला पूछेगा आपसे कि भूषण जी का निधन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 1715 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1715 ईस्वी में हुआ था। अगला पूछेगा कि भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप कहिएगा तिकवापुर, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश है ना, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, ये तीनों एक ही साथ ऑप्शन में रहता है। आपको बता दें इन्हीं की सभी मारिएगा, एक ही साथ रहता है तीनों, रॉ में यानी डी में रहेगा, ए में रहेगा या बी में रहेगा, सी में रहेगा, जहाँ रहेगा तीनों एक साथ रहेगा। अगर उनके पिता का नाम क्या है तो रत्नाकर त्रिपाठी, इतने पिता का नाम क्या है पूछेगा कि वो बात बताइए कि भूषण जी के है ना पिता का नाम क्या है, तब क्या बताइएगा? रत्नाकर त्रिपाठी। क्या नाम बताइएगा? रत्नाकर त्रिपाठी नाम बताइएगा। अगर देखिए इनका उपनाम क्या है तो उपनाम इनका भूषणे है ना, भूषणे, ठीक है, भूषण जी का नाम भूषणे है। कृतिया क्या था? तो कृतिया में शिवराज भूषण, शिवा बाबनी और छत्रसाल दशक है ना, बहुत तरीका है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास है ना, दूषण उल्लास। आपको पूछेगा शिवराज भूषण के लेखक क्या है तो भूषण जी, शिवा बाबनी के लेखक क्या है, हमको पता है, अगर कहे तो आपको गेस कर देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, इसको भी कर लीजिए, शिवा बाबनी के लेखक क्या है या छत्रसाल दशक के लेखक क्या है, तो छत्रसाल दशक आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वहां का है, लेकिन आपसे शिवा बाबनी पूछेगा, शिवा बाबनी के लेखक कौन है, तो आपको बता दें कि शिवा बाबनी के लेखक क्या है तो भूषण जी है। अगला उनको कौन मानते थे बहुत ज्यादा, तो छत्रपति शिवाजी और उनके जो बेटे थे साहू जी वो मानते थे, और राजा जो छत्रसाल है वो भी इनको बहुत है ना उनसे बहुत प्यार करते थे ये। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी, साहू जी और राजा छत्रसाल, ठीक है। अगला देखिए है ना भूषण जी रीति काल के प्रमुख कवि है, किस काल के, पूछेगा भूषण जी किस काल के कवि है, तो भूषण जी रीति काल के वो प्रसिद्ध कवि है। आगे देखा कहता भूषण जी तीन भाई थे, पूछेगा भूषण जी क्या भाई थे, तो भूषण जी तीन भाई थे, चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ, इस सब का है, तो रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अगला भूषण जी को कौन सा उपाधि में मिला था, तो भूषण जी को जो भूषण उपाधि किसने दिया था, तो भूषण जी को भूषण का उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था है ना, चित्रकूट के सोलंकी राजा किसने दिया था, रुद्र शाह ने दिया था। ठीक है, इतना याद रहेगा है ना। अगर देखिए भूषण जी का है ना किस में प्रधानता थी, देखिए भूषण जी को वीर रस में प्रधानता थी, इनको सिंगार रस में कोई प्रधानता नहीं था, इनको वीर रंग वीर रस में प्रधानता था। ठीक है, अगर देखिए शिवराज भूषण में 384 छंद है, छंदों में 105 अलंकार है, यानी शिवराज भूषण में 384 छंद है और 105 अलंकार है, इस सब भी ककरा बारे में लिखल गया है ना, तो छत्रपति शिवाजी के बारे में, इनकी वीर गाथाएं हैं इसमें, शिवा बावली में भी 52 मुक्त है ना, इसमें शिवाजी को वीरता का बखान किया गया, इसमें क्या किया गया है, शिवाजी के वीरता का बखान किया गया। ऑब्जेक्टिव के नाम पूछेगा, सुन लीजिए, कहेगा शिवाराम भूषण में, शिवराज भूषण में कितने अलंकार है, तो आप कहिएगा 105 अलंकार है, कितने अलंकार है, 105 अलंकार है। अगला पूछेगा कि शिवा बावली में कितने मुक्त है ना, तो आप कहिएगा 52 मुक्त है, कितने हैं, 52 मुक्त है,
52 मुक्तक है, ठीक है, तो कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद आइए छत्रसाल दशक में 10 छंद है, कितने छंद है, 10 छंद है, जिनमें सिर्फ कथी है, शिवाजी के बखान है, किसका बखान है, शिवाजी का बखान है। देखिए शिवाजी ने, है ना, ठीक है, यहाँ लिखा गया, यहाँ भूषण होगा, हाँ, भूषण ने ब्रज भाषा में रचना की है, किसने, भूषण ने ब्रज भाषा में रचना की है, जिना सूरदास जी ब्रज भाषा में रचना किया था, उन्हें तो भूषण जी ब्रज भाषा में रचना किया है, ठीक है। छत्रसाल, जो छत्रसाल है दशक में कुल 10 छंद है, कितने छंद है, छत्रसाल दशक में कुल कितने छंद है, तो 10 छंद है। ऑब्जेक्टिव रूप में सब पूछेगा आपसे, कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव का रिवीजन भी हम करवा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। भूषण जी रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। भूषण जी ने श्रृंगार रस नहीं अपना कर वीर रस अपनाया, देखिए जे रीति काल के रहता है ना, ओकरा समझिए बात के, श्रृंगार रस अपनाना पड़ता है, लेकिन श्रृंगार रस नहीं अपना कर भूषण जी वीर रस अपनाया, क्या नाम अपनाया, वीर रस, मतलब वीरता का बखान किया, जिसमें जो रस में वीरता का बखान किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात के। कवित के प्रथम पद में शिवाजी के वीरता का बखान है, यानी जो शिवराज भूषण से लिया गया है, ठीक है, है ना, ये वीर रस है, क्या है, तो वीर रस है, और शिवराज भूषण से लिया गया है, ठीक है, शिवराज भूषण से लिया गया है, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा, है ना। अगर देखिए कवित के द्वितीय पद में यानी दूसरा पद में छत्रसाल की वीरता का वर्णन है, छत्रसाल यानी छत्रसाल दशक से लिया गया है, किससे लिया गया है, तो छत्रसाल दशक से लिया गया है, ठीक है। अगर देखिए भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जी थे, ठीक है, छत्रसाल जी थे, यानी भूषण के प्रिय नायक जो थे छत्रपति शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल थे। छत्रसाल के तलवार ने रौद्र रूप धारण कर लिया था, कौन रूप, रौद्र रूप, और रौद्र रूप का चर्चा तब होगा जब शिवजी का नाम आएगा, है ना, बिना शिवजी के रौद्र रूप नहीं होता है, और रौद्र रूप कौन धारण करते हैं भगवान में, तो शिवजी, तो शिवजी का नाम आएगा, देखिए कहीं ना कहीं चर्चा कीजिएगा, है ना, लिया था। औरंगजेब को मुगल बादशाह को ही कवि ने मल्लेच्छ वंश कहा, यानी औरंगजेब जो है कहेगा किस वंश को बादशाह ने मल्लेच्छ वंश कहा है, तो आप कहिएगा आंसर में औरंगजेब, औरंगजेब वंश को जो भूषण जी है वो मल्लेच्छ वंश कहा है, ठीक है। आगे आइए, आप यानी छत्रपति शिवाजी के बारे में जान लीजिए, है ना, छत्रपति शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1674 ईस्वी में हुआ, लगभग 50 साल जिए, यानी 50 अप्रॉक्स लेके चलिएगा, 50 साल जिए। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र के शिवनेरी में मराठा परिवार में हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के शिवनेरी गांव में, यानी मराठा परिवार में हुआ था। भगवान शिव को रतिनाह पर अधिकार है, किस पर अधिकार है, रतिनाह पर। दूसरे कवित में शिवजी को रौद्र रूप की चर्चा है, बताए थे आपको, दूसरे कवित में शिवजी के रौद्र रूप का चर्चा है, किसके रौद्र रूप का, तो शिवजी के, छत्रसाल ने धरा था रौद्र रूप, तो दूसरे कवित में शिवजी के रौद्र रूप का चर्चा है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर से, है ना, कृष्ण जी के मामा का नाम कंस था, क्या नाम था, कंस था। जितना भी आपको इस ऑब्जेक्टिव उठ सकता था हमने सारा उठाने का प्रयास किया है, ठीक है जी, है ना। परशुराम जी का युद्ध में सशस्त्र बाहु से हुआ था, यानी परशुराम जी का जो युद्ध हुआ था उसका शस्त्र बाहु से हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। किसके बीच हुआ था परशुराम युद्ध का, परशुराम जी का युद्ध, तो परशुराम जी का युद्ध और सशस्त्र बाहु का युद्ध आपस में हुआ था, ठीक है। बारहवीं जो था, बारहवीं यानी बारीवाह का पवन पर अधिकार है, किसका अधिकार है, तो बारीवाह का पवन पर फुल अधिकार है, है ना। मराठा वंश का स्थापना शिवाजी ने किया था, मराठा वंश का स्थापना किसने किया था, तो मराठा वंश का स्थापना शिवाजी ने किया था। राम भगवान रघुकुल के वंश हैं, राम भगवान जो है, भगवान राम किसके वंश है, तो रघुकुल के वंश है। ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा ये सब, ठीक है, आप देखिएगा ट्राई करके, आपको नहीं पता है तो कोई भी गेस्ट पेपर उठा के आप देखिएगा बना के, आपको यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव टकरा जाएगा, है ना, कोई भी गेस्ट पेपर उठा लीजिएगा यहाँ से टकरा जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। राम भगवान या भगवान राम क्या है, रघुकुल के वंश है। शिवा बावनी के लेखक कौन है, तो भूषण जी है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है, तो भूषण जी है, ठीक है। आपको बता दें कि हमने 10th का भी ऑल सब्जेक्ट का नोट अवेलेबल करवा दिया है, है ना, मात्र कुछ फी में आपको मिल जाएगा, है ना। 12th का भी आपको अगर PDF चाहिए तो कुछ फी में आपको हम पूरा प्रोवाइड कर देंगे, है ना। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा,
कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, आप जाकर सर्च कर ले है ना, और उस पर चैनल पर जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा है ना। पीडीएफ के जरूर संपर्क करें आप, क्वेश्चन आंसर के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन जो होता है यानी व्याख्या जो होता है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, समरी यानी सारांश के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, भावार्थ के लिए भी संपर्क करें, जो भी आपको चाहिए इस पार्ट के संबंधित है ना सब आपको मिलेगा। ट्वेल्थ का जो भी नोट्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।